بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بچوں, हमारा उर्दू का पीरियड शुरू होता है, तो चले अपना पीरियड शुरू करते हैं हुरूफ़े तहजी के गीत के साथ. अलिफ बे पे ते टे से, जीम चे हे खे दाल लाल जाल, रे रे जे जे सीन शीन स्वाद, ज़ाद तौए ज़ौए ऐन ग़ैन फ़े क़ाफ़, काफ गाफ लाम मीम नून वाव हा, छोटिए बड़िए. चले बच्चे, बच्चों आप लोग मुझे बताएं कि हम कितने दोस्तों से पहले मिल चुके हैं. हम पहले दो दोस्तों से मिल चुके हैं, अलिफ और ये क्या है, बे. शाबाश, हमारे पहले दोस्त का नाम है अलिफ और दूसरे का क्या नाम था, बे. हम अपने दो दोस्तों के साथ मिल चुके हैं. नाम है अलिफ, आवाज है आ. नाम है अलिफ, आवाज है आ. नाम है बे, आवाज है ब. नाम है बे, आवाज है ब. बे के नीचे एक नुक्ता. शाबाश, बे के नीचे एक नुक्ता. तो चलो बच्चों, आज हम अपने तीसरे दोस्त से मिलते हैं. नाम है इसका पे. नाम है पे, क्या नाम है, पे. नाम है पे, आवाज है प. नाम है पे, आवाज है प. नाम है पे, आवाज है प. नाम क्या है, पे. शाबाश, और आवाज क्या है, प. क्या आवाज इसकी, प. शाबाश. नाम है पे, आवाज है प. नाम है पे, आवाज है प. नाम है पे, आवाज है प. तो चले बच्चों, आज मैं आपको पे की कहानी सुनाती हूँ. कौन से हर्फ की कहानी सुनेंगे, पे की कहानी. कौन से हर्फ की कहानी, पे की कहानी. पे की कहानी, चले तो सुने. परवेज के बच्चों ने दुकान से पेंसिल खरीदी. परवेज के बच्चों ने दुकान से पेंसिल खरीदी और अपना होमवर्क ख़त्म करके अपने बाग में पतंग उड़ाने चले गए. किसके बच्चों ने दुकान से पेंसिल खरीदी, परवेज के बच्चों ने. किसके बच्चों ने, परवेज के बच्चों ने. क्या खरीदी दुकान से उन्हें, क्या खरीदी, पेंसिल. क्या खरीदी, पेंसिल. और अपना होमवर्क खत्म करके बाग में क्या उड़ाने चले गए, पतंग उड़ाने चले गए. क्या उड़ाने चले गए, पतंग उड़ाने. क्या उड़ाने, पतंग उड़ाने चले गए. पतंग, परवेज, पेंसिल, पतंग. बाग में पीले फूलों वाले पौधे हैं. बाग में पीले फूलों वाले पौधे हैं. पीले फूलों वाले पौधे हैं. कहाँ पे है, बाग में है. बाग में क्या है, पीले फूलों वाले पौधे हैं. कौन से रंग वाले पौधे हैं, पीले फूलों वाले. कौन से रंग वाले, पीले फूलों वाले. पीले रंग वाले फूलों के पौधे हैं. पीले रंग वाले क्या है, फूलों के पौधे हैं. पीले रंग वाले क्या है, फूलों के पौधे हैं. वो पौधों को रोज पानी देते हैं. वो पौधों को रोज पानी देते हैं. पानी क्या देते हैं, पानी देते हैं. क्या देते हैं, पानी देते हैं. किसको देते हैं, पौधों को देते हैं. किसको देते हैं, पौधों को देते हैं. और हर पत्ता धोते हैं. और पौधों का हर पत्ता वो धोते हैं. और हर पत्ता धोते हैं. क्या धोते हैं, पत्ता. क्या धोते हैं, पत्ता. क्या धोते हैं, पत्ता. वो पौधों पर पानी के कतरे देखकर खुश होते हैं. पौधों पर पानी के कतरे देखकर खुश होते हैं. और ये गाना गाते हैं, पत्तों पर पानी, प प प.
पत्तों पर पानी प प प, पत्तों पर पानी प प प। परवेज के बच्चे दुकान से उन्होंने पेंसिल खरीदी और अपना होमवर्क खत्म करके बाग में पतंग उड़ाने गए। परवेज के बच्चों ने पेंसिल खरीदी, होमवर्क खत्म किया और फिर बाग गए वहां पे पतंग उड़ाने के लिए। और बाग में पीले फूलों वाले पौधे हैं, पीले फूलों वाले पौधे हैं, पीला रंग है, ये देखे पीले फूलों वाले पौधे हैं बाग में। वो पौधों को रोज पानी देते हैं, पानी क्या देते हैं, पानी। अच्छा, पौधों पर पानी के कतरे देखकर जब वो खुश होते हैं तो कौन सा गाना गाते हैं? पत्तों पर पानी प प प, पत्तों पर पानी प प प। पे की शुरू की, पे की आवाज क्या है? प। परवेज की शुरू की आवाज क्या है? प। परवेज की शुरू की आवाज क्या है? प। प परवेज, प परवेज। पेंसिल की शुरू की आवाज क्या है? प। पेंसिल की शुरू की आवाज क्या है? प। प पेंसिल, प पेंसिल, प पेंसिल, प पेंसिल। पतंग की शुरू की आवाज क्या है? प। पतंग की शुरू की आवाज क्या है? प। पतंग की शुरू की आवाज क्या है? प। प पतंग, प पतंग, प पतंग। फूलों की शुरू की आवाज क्या है? प। फूलों की शुरू की आवाज क्या है? प। पीले की शुरू की आवाज क्या है? प। प फूल, प पौधा, प पीला। पानी की शुरू की आवाज क्या है? प। पानी की शुरू की आवाज क्या है? प। पानी की शुरू की आवाज क्या है? प। प पानी, प पानी। पत्ता की शुरू की आवाज क्या है? प। पत्ता की शुरू की आवाज क्या है? प। प पत्ता, प पत्ता, प पत्ता। अच्छा बच्चों, अब आपका होमवर्क टाइम है, घर का काम मैं आपको देती हूँ। उर्दू किताब में सफा नंबर 7 निकालें और ये देखिए यहाँ लिखा है, दायरा बनाइए, रंग भरिए। दायरा बनाइए, रंग भरिए। अब ये देखें, ये क्या है? पत्ता। क्या है? पत्ता। अब इधर देखें, यहाँ पे ब बे है और पे है। नाम है बे, आवाज है ब। नाम है पे, आवाज है प। प पत्ता, प पत्ता। देखिए पहले से दायरा लगा हुआ है, प पत्ता। इसी तरह ये देखें, ये क्या है? पेंसिल। क्या है? पेंसिल। अब यहाँ देखें, नाम है पे, आवाज है प। ये है नाम है बे, आवाज है प। अब देखें पेंसिल की शुरू की आवाज प है या ब है, आपको जो सही लगता है उसके गिर्द दायरा, इस तरीके से दायरा उसके गिर्द लगाएं। इन दोनों में से जो सही है उसके गिर्द दायरा लगाएं। ये देखें, ये क्या है? पतंग। क्या है? पतंग। ये क्या है? नाम है बे, आवाज है ब। नाम है बे, आवाज है ब। ये देखें, नाम है पे, आवाज है प। नाम है पे, आवाज है प। अब देखें पतंग की शुरू की आवाज क्या है? ब है या प है? जो सही है उसके गिर्द आप इस तरीके से दायरा लगाइए, ठीक है? और फिर इन तीनों में रंग भरिए, तीनों चीजों में रंग भरिए। प्यारा प्यारा काम करना आप लोग, ठीक है? और फिर हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अल्लाह हाफिज। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علماً.